Mr. Lehru Manirahim, Assalamu alaikum students. Welcome to Data Communication and Computer Networks first lab. In this lab, we will discuss about the introduction of network fundamentals. The objective of this lab is to get the know-how of network elements, how many types of networks are available, what are the network models or architectures. We will also discuss about the introduction of the Cisco Packet Tracer and how to install Cisco Packet Tracer, and at the end, after installation, we will create a small topology to check the connectivity of the peers. So starting from the network fundamentals, let's discuss what a computer network is. As a layperson to a computer network concept, let's get to the basics of the computer network by defining the definition of a computer network. Basically, a computer network is a collection of the computers and devices connected together through a communication devices, through some communication devices and transmission media. For example, if we connect computers, printers and scanners, this will create a small computer network. अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझे तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि जब आप बहुत सारे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू या किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया मीडियम के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करवा देते हैं तो वो हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये बेसिकली हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है. ठीक है, दरमियान में हमने एक स्विच लगाया हुआ, कुछ वर्क स्टेशन मौजूद हैं, हमारे पास कुछ मॉडेम मौजूद हैं, सर्वर मौजूद है, प्रिंटर मौजूद है. तो ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हमने इंटरकनेक्ट किया हुआ और हम कह रहे हैं ये हमारा एक स्मॉल नेटवर्क है. अब जब हम नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये हमें जानना जरूरी है. सो बेसिकली नेटवर्क एलिमेंट्स मीन द एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द नेटवर्क, राइट. So basic elements of a computer network include the hardware and software, and then the services that the network provides. That means the protocols that run the computer network, right? So there is an interrelationship between the basic elements of the computer network that constitute the whole infrastructure of a network, right? So the basic elements जो कि हमारे computer network के अंदर मौजूद हैं वो क्या है? सबसे पहले अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर को इनेबल करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वो है हमारा एनआईसी कार्ड. ठीक है, तो उसके बाद एनआईसी कार्ड के बाद या तो आपके पास वायरलेस या वायर मीडियम के लिए कोई कम्युनिकेशन के लिए लिंक मौजूद होना चाहिए. तो अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो नेटवर्क एलिमेंट हमारे पास है वो होना चाहिए एनआईसी कार्ड. फिर हमारे पास होंगी केबल्स. अब वो केबल्स हमारे पास रही सी बात है, अगर हम एक नेटवर्क के अंदर हैं जहाँ पे मोर देन टू या टू से मोर देन टू थ्री पीसीज मौजूद हैं तो वो हम स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर अगर स्विच ने कनेक्ट होना है किसी लोकल आईएसपी के साथ तो हम उसे कनेक्ट करेंगे थ्रू राउटर. तो बेसिकली जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास, कि हमारे पास एक एनआईसी कार्ड होता है, फिर हमारे पास केबल्स होती हैं, फिर हब्स हैं, स्विचेस हैं, राउटर हैं, ये सारे हमारे पास नेटवर्क एलिमेंट्स मौजूद हैं. राउटर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, राउटर्स और स्विचेस हमारे पास दोनों पैकेट स्विचिंग डिवाइसेस हैं. पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब है कि इन्होंने पैकेट को एक सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचाना है. तो राउटर का जो मेन पर्पस है वो दो काम होता है, एक है इसका काम राउटिंग और दूसरा है इसका काम फॉरवर्डिंग. व्हाट डज इट मीन बाय राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, सो हमारे पास जो एक राउटर है उसके ऊपर बहुत सारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करता है. ठीक है, सो हमारे पास जो राउटर है जब इसके पास एक पैकेट आता है किसी इनकमिंग पोर्ट पे तो उसने डिसाइड करना है कि इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया जाए. सो जो शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन है दिस इज नोन एज राउटिंग. और फॉरवर्डिंग बेसिकली क्या है कि उस शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपने इनकमिंग पोर्ट से आपने वो पैकेट उठाना है और आउटगोइंग पोर्ट पर डालना है, दिस इज फॉरवर्डिंग, राइट. सो बेसिक जो हमारे पास राउटर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है और इसका मेन पर्पज क्या है कि राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करता है. ठीक है, राउटिंग इज शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन एंड फॉरवर्डिंग इज forwarding the packet from incoming port to the outgoing port, right? अब switch क्या है? Basically हमारे पास switch एक ऐसी device है जो कि हमारे पास
एक ही नेटवर्क के अंदर या एक लोकल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। हब हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी होस्ट आपके पास नेटवर्क के अंदर मौजूद है, अगर वो आपने हब के साथ कनेक्ट कर दिए हैं तो हब एक सेंट्रल पॉइंट हो गया। जो भी डाटा आप हब को भेजेंगे, हब उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। सो उस पैकेट की जितनी भी कॉपीज हैं, वो जितने भी नेटवर्क के अंदर लोग मौजूद हैं, सबको पहुंच जाएंगे। सो स्विच हमारा इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे स्विच इंटेलिजेंट होता जाता है, वो यूनिकास्टिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन हब हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, बल्कि वो जब भी आप हब को कोई डेटा सेंड करेंगे, इट विल सेंड टू ऑल, दैट मीन इट विल ब्रॉडकास्ट द डेटा, ठीक है। अब एनआईसी कार्ड क्या है? हमारे पास बेसिकली एक सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है ताकि आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके, राइट। सो दीज आर द बेसिक नेटवर्क एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एवरी काइंड ऑफ नेटवर्क, राइट। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास नेटवर्क की जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो क्या है। सो हम हमने बहुत दफा ये नाम सुने भी होंगे और आपने पढ़े भी हुए होंगे कि कंप्यूटर के जो जो नेटवर्क टाइप्स हैं वो हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि डिफाइन की गई हैं हमारी जो लोकेलिटी है उसकी उसकी बेसिस पे। अगर हम लैन की बात करें तो लैन हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है जो कि हमारे लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि होम हो गया, कोई स्कूल हो गया, कंप्यूटर लैब हो गई, या फिर किसी ऑफिस कोई ऑफिस बिल्डिंग हो गई, तो ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? जैसे एक सिटी का नेटवर्क है, राइट। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ हाई स्पीड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क इन अ नेटवर्क such as a city or a town that handles bulk of communication activity across the region, right? So, दो या दो से ज्यादा या बहुत सारे lands को आपस में communicate करके एक MAN बनता है, ठीक है, metropolitan area network बनता है। और WAN की जो best example है वो क्या है? हमारे पास internet is an example of WAN, that means जो larger geographical area को जो cover करता है वो हमारे पास WAN, right? अच्छा, फिर हम बात करते हैं network models और network architectures। अब बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है कि आपने किस तरह से अपने नेटवर्क को डिजाइन किया हुआ है और किस तरह से आपने अपने एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगर किया हुआ है ताकि वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके। सो हमारे पास बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर दो तरह का मौजूद है या नेटवर्क मॉडल दो तरह के हैं। एक है हमारे पास सर्वर क्लाइंट मॉडल और दूसरा या क्लाइंट सर्वर मॉडल है और दूसरा हमारे पास है पीयर टू पीयर मॉडल। अब जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करते हैं तो इट इज वेल नोन मॉडल। वेल नोन मॉडल क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जब भी हम फेसबुक यूज करते हैं या हम गूगल यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्ट कर रहे होते हैं एज अ क्लाइंट, राइट। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पेज और गूगल का सर्वर या फिर फेसबुक का सर्वर हमें वो पर्टिकुलर पेज रिप्लाई करता है। दैट मीन्स क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की और सर्वर उसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। So one on a client server network, one computer acts as a server that provides the services and the other acts as a client, that means it generates the request, ठीक है। सर्वर वो कंप्यूटर है जो कि आपके रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है by providing you the particular services, ठीक है। और पीयर टू पीयर मॉडल क्या है कि इस मॉडल के अंदर कोई भी जो डिवाइस है वो क्लाइंट सर्वर के तौर पर एक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि साइमल्टेनियसली एक आपका जो पीयर है या एक आपका जो होस्ट है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ क्लाइंट, एट द सेम टाइम वो एक्ट कर रहा होता है एज अ सर्वर, ठीक है। सो इक्वल कैपेबिलिटीज है उसके अंदर कि वो क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और वो सर्वर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। एंड दैट मींस एट द सेम टाइम द पीयर इज रिक्वेस्टिंग समथिंग एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग समथिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीयर टू पीयर एप्लीकेशन इज BitTorrent, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हम टूल यूज करेंगे दैट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए कोई भी लिंक मिल जाएगा और मैं इसका जो लिंक मेरे पास मौजूद है पैकेट ट्रेसर 7.2 मेरे पास मौजूद है, इसको मैं गूगल ड्राइव पे रख के इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर किसी ने यहाँ से डाउनलोड करना होगा तो यहाँ से डाउनलोड करेगा। इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या है कि हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं एंड देन
सिंपल प्रोसीजर है, लाइक यू इंस्टॉल एनी अदर सॉफ्टवेयर, उसी तरह से हम एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, राइट. तो ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी. तो उसके बाद हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसे लॉन्च करेंगे और उसे यूज करेंगे. ओके, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है. अब हम फिनिश करते हैं और हम लॉन्च करते हैं अपने पैकेट ट्रेसर को. ओके, तो ये पैकेट ट्रेसर हमारा लॉन्च हो चुका है. हम एक्ट करते हैं, हम एज अ गेस्ट लॉग इन करते हैं. तो गेस्ट लॉग इन के लिए हमारे पास 15 सेकंड्स का डिले है. तो मैं 15 सेकंड्स के डिले के बाद नाउ कंफर्म द गेस्ट लॉग इन. अब हमारे पास ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का एनवायरमेंट, ठीक है. अब इस एनवायरमेंट को हम जरा समझ लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास ऊपर टूल बार मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है टू सेव आर फाइल, टू ओपन न्यू फाइल, टू ओपन आर प्रीवियस पैकेट ट्रेसर फाइल एक्सेट्रा. उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंसेस की ऑप्शंस हैं. इसके अंदर अगर हम फर्दर जब हम काम करेंगे तो हम देखेंगे इनको किस तरह से एक्सप्लोर करना है. जूम इन जूम आउट की हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं. कोई भी आपको हेल्प चाहिए उसकी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है. फिर हमारे पास शॉर्टकट्स हैं और उसके बाद हमारे पास ये वर्क स्पेस है जिसके अंदर हम काम करेंगे, जिसके अंदर हम अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे. बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारे पास एक सिमुलेटर है जो कि हमारे लिए हमें फैसिलिटेट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन जनरेटिंग और बिल्डिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क. तो क्या है हमारे पास कि हम एक सिमुलेशन फील ले रहे होते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को बिल्ड किया जाएगा. यहाँ हमारे पास वर्क स्पेस मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास सारे नेटवर्क एलिमेंट्स मौजूद हैं. कोई भी नेटवर्क एलिमेंट हमें यहाँ से रिक्वायर्ड होगा तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस मौजूद है. तो नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास ये राउटर्स मौजूद है, ठीक है. तो हम नेटवर्क डिवाइसेस पे सबसे पहले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे राउटर्स मौजूद है, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस इज एंड डिवाइसेस. तो एंड डिवाइसेस में हमारे पास पीसीज भी हैं, लैपटॉप भी हैं, सर्वर्स भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, आईफोन भी हैं, वायरलेस फोन्स भी मौजूद हैं, टीवी भी है, वायरलेस टैबलेट्स भी हैं, स्मार्टफोन्स भी मौजूद हैं. तो हर तरह की हमारे पास एंड डिवाइस मौजूद है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास हैं, जब हम कम्युनिकेशन लिंक्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वायर्स भी मौजूद हैं. दिस इज एन ऑटोमेटिक वायर. उसके बाद हमारे पास हैं कंसोल वायर मौजूद है, हमारे पास कॉपर स्ट्रेट वायर मौजूद है, क्रॉस ओवर भी मौजूद है. तो ये हमारे पास सीरियल केबल है, हमारे पास सीरियल डीसी केबल है. तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी केबल्स की भी ऑप्शंस मौजूद है, राइट. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम जनरेट करते हैं अपना पहला जो छोटा सा एक नेटवर्क है वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें दो कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पहला पीसी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है. तो हमने क्या किया, बेसिकली पहला एक पीसी सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको ड्रॉप किया. और अगर मुझे डिलीट करना होगा कोई भी नेटवर्क एलिमेंट तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी और ये डिलीट हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इन दो एलिमेंट्स को आपस में, दो जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करना है. तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से वायर सेलेक्ट करूंगी और वायर में से जो पहला ऑप्शन है वो है ऑटोमेटिकली चूजन कनेक्शन टाइप. अब क्या होता है कि जब आपके पास दो सेम टाइप की डिवाइसेस मौजूद हो, जैसे ये भी कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटर डिवाइस है, तो इनके दरमियान में क्रॉस केबल यूज होती है, ठीक है. अगर हम खुद से यूज करेंगे तो हमें क्रॉस केबल यूज करनी पड़ेगी, लेकिन एज अ न्यू कमर हमारे पास ये नॉलेज नहीं है कि इनके दरमियान में किस टाइप की केबल यूज होनी चाहिए. तो हम ऑप्शन वन को यूज करते हैं, दैट इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द टाइप ऑफ वायर. तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो इसने क्या किया, इसने हमारे पास यहाँ पे क्रॉस ओवर कॉपर वायर को सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है. तो कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैं एक दफा बताती हूँ कि हमें पहली वाली जो ऑप्शन है वो वायर सिलेक्ट करनी है, पहले इससे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. तो ये हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया. अब जब हमने पीसी को नेटवर्क पे लेके आना है तो हमारे पास जरूरी है कि हम पीसी को कोई ना कोई आईपी एड्रेस दें, ठीक है. आईपी क्या है, बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जिस तरह से क्लास में
रोल नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन है, इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो पीसी का आईपी एड्रेस है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीसी को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे, स्टैटिक पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी आईपी एड्रेस, तो हम लिखते हैं 192.168.1.1। ठीक है, और इधर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ फॉर नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज द सबनेट मास्क, व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे, व्हाट इज डीएनएस, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इनको डिस्कस करेंगे क्या चीज है। फिलहाल हमने क्या किया, हमें सिर्फ एक आईपी एड्रेस असाइन किया है, क्लोज दिस वन। नाउ टू द अदर साइड, दूसरे पीसी पे हमारे डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन ओपन किया और हमने इधर एक और आईपी दे दिया 192.168.1.2 एंड देन क्लिक ऑन सबनेट मास्क, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है एंड दैट क्लोजेस। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें कि पीसीज के पैकेज आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ओपन करेंगे किसी एक, दोनों पीसी में से किसी भी पीसी को ओपन करें, डेस्कटॉप में जाके आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कमांड मौजूद है। क्वेश्चन मार्क की कमांड बेसिकली हेल्प की कमांड है जो कि हमें बताती है कि कौन कौन सी कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कमांड है पिंग की। पिंग बेसिकली क्या है, सेंड्स एन इको मैसेज। इको मैसेज क्या होता है कि आपने जब कनेक्टिविटी चेक करनी हो किसी भी और नेटवर्क की, किसी भी और नेटवर्क एलिमेंट की, तो हम उसको दूसरी डिवाइस को पिंग करते हैं। तो हम पीसी जीरो से पीसी वन को पिंग करके देखते हैं कि ये नेटवर्क जो ये जो पीसी है वो अवेलेबल भी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिंग और आगे आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.1.2। जिस डिवाइस को आपको चेक करना है कि इज दैट अवेलेबल और दैट डिवाइस इज अलाइव और नॉट, तो आप क्या करेंगे, उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, एंटर किया, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आया कि पिंगिंग 192.168.1.2 विद 32 बाइट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे इसने डेटा की कुछ बाइट सेंड किए और हमें 1.2 से रिप्लाई आना शुरू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये वो रिप्लाई टाइम है जिसके अंदर उसने हमें 1.2 ने रिप्लाई किया। ठीक है, और ये टाइम टीटीएल इज बेसिकली टाइम टू लिव, ठीक, कि वो कितनी टाइम तक हमारी ये जो रिक्वेस्ट है जो हमने भेजी है पिंग करने की, जो रिक्वेस्ट है वो कितने टाइम हमारे नेटवर्क की जो प्रेमिसेस है उसमें रहेगी। ठीक है, टाइम टू लिव, उसके बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो आपका जो सिस्टम है, जो कमांड जो आपने पिंग की कमांड भेजी है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो बेसिकली जो एंड पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिले हैं वो क्या है कि 1.2 ने चारों के चारों पैकेट रिसीव कर लिए हैं जो आपने भेजे थे और लॉस 0% है आपके इस नेटवर्क का, और जो अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम है वो मिली सेकेंड के अंदर है, दैट मीन्स आपका नेटवर्क एफिशियंट है, राइट। सो दिस इज हाउ वी चेक द कनेक्टिविटी ऑफ अ नेटवर्क, राइट। आई होप आपको बेसिक नेटवर्क क्रिएट करना समझ में आया होगा। ये हमने बेसिकली एक बिल्कुल छोटा सा नेटवर्क बनाया जिसमें दो पीसी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हमें मोर देन टू पीसी कनेक्ट करना है तो हमें इनके दरमियान में स्विचेस लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, दरमियान में एक सिलेक्ट अ स्विच 2960 ही। अब हम यहाँ से एक और पीसी सेलेक्ट करते हैं ताकि मोर देन टू पीसीज कनेक्ट करने हमें समझ में आए। तो हमने वायर सेलेक्ट की, पीसी को कनेक्ट किया, देन पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट किया एंड थर्ड पीसी को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस पीसी को अगर हम क्लिक करें तो इसको हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 1.2, इसको असाइन किया हुआ हमने 1.1 और इसको हम असाइन कर देते हैं 1.3 का। तो हम यहाँ पे आईपी असाइन करते हैं 192.168.1.3। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। अब हम इसको अगर पिंग करूं मैं यहाँ से, तो मैं लिखूंगी
पिंग 192.168.1.3। तो अब देखें कि हमारे पास जो थर्ड कंप्यूटर हमने कनेक्ट किया जिसका आईपी 1.3 था, वो भी हमारे नेटवर्क का पार्ट बन गया। दैट मीन इट इज रिप्लाइंग टू द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय 192.168.1.1, राइट। सो दैट मीन हमने एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क जनरेट किया जिसमें तीन पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की जो हमारी लैब है उसमें हमने यही सीखा कि किस तरह से हमें कंप्यूटर जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कंप्यूटर नेटवर्क की वो पता होनी चाहिए, कौन कौन से नेटवर्क एलिमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए, फिर कौन से सर्विस मॉडल्स हैं वो पता होने चाहिए, और फिर किस तरह से हमने पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के बाद उसको यूज कैसे करना है, ये सारा हमने आज की लैब में कवर किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।